हिमाचल और पंजाब सीमा पर सेब की आड़ में रात केस में नशे की तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने सेब की पेटियों से 1 क्विंटल 23 किलो भुक्की के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसकी बाजारों कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। आपको बता दें कि हिमाचल पंजाब सीमा पर कश्मीरी सेब के आड़ में 2 ट्रकों में भरकर भुक्की की पेटियां लेकर आए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को गिरफ्तार किया और 12 पेटी सेब जिसमें भुक्की भरी थी बरामद की गई और आगामी कार्रवाई की जा रही है। नैना देवी थाना कोट पुलिस ने गत रात हिमाचल पंजाब सीमा पर आनंदपुर साहिब के सीमावर्ती जिंडिया गांव में सेब की पेटी में भरी 1 क्विंटल 23 किलो भुक्की को पकड़ने में सफलता हासिल की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ये तस्कर हिमाचल पंजाब सीमा पर कश्मीरी सेब के आड़ में 2 ट्रकों में भुक्की भरकर पेटी में लेकर आए थे। पुलिस रात के समय जब गश्त पर थी तो बिल्कुल सीमा पर 2 ट्रक खड़े थे और उनके समीप एक कार भी खड़ी थी। जो ही पुलिस पहुंची कार पंजाब सीमा में चली गई और पुलिस ने मौके पर ही पहुंचकर व्यक्ति को गिरफ्तार किया और 12 पेटी सेब जिसमें भुक्की भरी थी बरामद की गई और आगामी कार्रवाई की जा रही है। डीएसपी संजय शर्मा का कहना है कि हिमाचल पुलिस हिमाचल और पंजाब सीमा पर पैनी नजर रखे है और तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। उन्होंने सीमा क्षेत्र के लोगों से भी अपील की है कि वे नशा तस्करों की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा सके। हमारी श्री नैना देवी जी की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, ये रात को गश्त पर थी तो हमारे यहाँ पे जो झिड़िया नाम की जगह है जो पंजाब का बॉर्डर है वहाँ पे एक पुल है। जब ये वहाँ पे पहुँचे, एग्जैक्ट बॉर्डर पे है ये, जब ये वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी और 2 ट्रक उसी पुल के ऊपर आर एक दूसरे की तरफ मुंह किए खड़े थे और उनमें से 2 बंदे सेब की पेटियां लेके उस गाड़ी में डाल रहे थे जो वहाँ पुल पे खड़ी थी। ये कार थी कोई, और जैसे पुलिस पार्टी वहाँ पे पहुंची है, पुलिस वहाँ उतरी तो ये जो गाड़ी है, गाड़ी थी जो कार थी, ये वहाँ से भाग गई। और पुलिस वालों ने इनसे जब पूछा कि इनका नाम पता क्या है तो पता करने के बाद जो एक बंदा था उसको वो पुलिस के कंट्रोल में आ गया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, दूसरा वहाँ से भागने में सफल हो गया। जब इन पेटियों को बाद में चेक किया गया तो इनमें भुक्की पाई गई। इन दोनों ट्रकों में एक ट्रक में 2 पेटियाँ सेब की पाई गई जिसमें कि भुक्की थी, दूसरे ट्रक में 10 पेटियाँ सेब की पाई गई कश्मीरी सेब और भटिन में भुक्की थी। तो इस तरह से 12 पेटियाँ पुलिस ने कब्जे में ली हैं। इनका टोटल वेट 123.800 किलोग्राम पाया गया है, मतलब 1 क्विंटल 23 किलो। और इसमें NDPS एक्ट के तहत हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक बंदा अभी फिलहाल अरेस्ट है, बाकी छानबीन जारी है, FIR दर्ज की जा चुकी है और नियमानुसार कार्यवाही हमारे लाई जा रही है। धर्मशाला में पारस डोगरा की विशेष अदालत ने करीब 9 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने भ्रष्टाचारी पटवारी अनिल कुमार और उसके साथी को दोषी करार देते हुए 1-1 साल की सशर्त कैद और 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। धर्मशाला में पारस डोगर की विशेष अदालत ने करीब 9 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने भ्रष्टाचारी पटवारी अनिल कुमार और उसके साथी को दोषी करार करते हुए 1-1 साल की सशर्त कैद और 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल मामला साल 2010 का है। कांगड़ा के रजियाणा पटवार सर्कल में तैनात तत्कालीन पटवारी अनिल कुमार ने अशोक कुमार नाम के एक शख्स से उसकी जमीन का इंतकाल करवाने के लिए 15,000 रुपए की डिमांड की थी। जमीन मालिक अशोक कुमार ने किसी तरह पटवारी से 3,000 रुपए कम करवा लिए और सौदा 12,000 में तय हो गया। इससे पहले कि अशोक कुमार पटवारी को ये रकम सौंपता, उसने होशियारी के साथ इस पूरे मामले की जानकारी विजिलेंस धर्मशाला को भी दे दी। विजिलेंस टीम ने शिकायतकर्ता अशोक के कहने पर मौके पर पहुंच गई। शिकायतकर्ता ने तय वक्त के मुताबिक मौके पर पहुंचकर पटवारी को 12,000 रुपए की रकम देनी चाही तो पटवारी ने साथ ही बैठे डाबा मालिक राकेश कुमार की ओर इशारा कर दिया। जब राकेश कुमार ने ये रकम ली तो विजिलेंस ने तुरंत उन दोनों को रंगे हाथों काबू कर लिया और भ्रष्टाचार अधिनियम कानून के मुताबिक अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। करीब 9 साल तक अदालत में विचाराधीन इस मामले में 14 गवाहों के बयानों की विनय पर आज पारस डोगरा की विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार कर दिया। विजिलेंस की ओर से मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी भुवनेश महनाहास ने
बताया कि भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत सामने आए इस मामले की अदालत में जिरह के दौरान हर पहलुओं को तथ्यों की कसौटी पर बड़ी ही बारीकी के साथ सुना, जांचा और परखा गया, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें दोनों दोषियों को सजा हो गई है। फिलहाल इन दोनों के पास हायर कोर्ट में भी जाने की पूरी आजादी है। आज माननीय स्पेशल जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट श्री पारस डोगर की अदालत ने दो अभियुक्तों को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सेक्शन 8 सेक्शन 13 में सेक्शन 7 में एक एक साल की सज़ा सुनाई है। सेक्शन 8 में छः महीने की सज़ा जो है वो दूसरे एक्यूज को सुनाई है। तो ये इसमें दो एक्यूज थे, इसमें पहला एक्यूज था अनिल कुमार पटवारी और दूसरा था राकेश कुमार। इसमें कंप्लेंट अशोक कुमार वालिया ने एक कंप्लेंट दिया था जिसमें उसने एसपी को लिखा था कि ये जो पटवारी है ये मुझसे म्यूटेशन करवाने के सिलसिले में 15,000 रुपये की डिमांड कर रहा है, तो वो 12,000 में बाद में इनमें सेटल हुआ था। तो जिसके तहत ये इसने इन्फॉर्मेशन कंप्लेंट ने विजिलेंस को दिया, तो विजिलेंस ने नाका लगाया और नाका लगा के इसको रंगे हाथों इसके दफ्तर से पकड़ा था। तो इसमें जो दूसरा एक्यूज था राकेश कुमार, वो पटवारी के साथ ही बैठा था उस रोज, तो इसने डायरेक्टली खुद ना लेके साथ बैठे पटवारी की जो राकेश कुमार है उसको उसके द्वारा इसने ये पैसे लिए। तो अदालत माननीय अदालत ने हमारे द्वारा प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो सबूत रखे थे उसको सही मानते हुए आज इस तरह की जो एक एक साल की सज़ा ये 7 और 13(2) PC एक्ट में सुनाई।